कितने आदमी थे, वो दो और तुम तीन, बहुत ना इंसाफी है रे जी। हाँ, गब्बर का ये डायलॉग कमाल है। वैसे गब्बर भी कमाल थे जी। हाँ, आइकॉनिक रोल्स जो होते हैं ना, उनमें से एक। वैसे एक गब्बर तो टीवी पर भी आ गई है। जी हाँ, सही सुना, आ गई है, क्योंकि मैं बाहर ले जा रही हूँ, अब पड़ी रहे यहाँ पर। जितने भी जुल्म किए तुमने, उन सबकी सजा मिलेगी तुझे। और वो ये कि हम तेरा शरीर बर्बाद कर। अचानक डीके और देवकी का इंटरचेंज और ये सब चल रहा था, तो जब डीके है तो फिर वो मोहिनी की है, लेकिन वो जब देवकी है तो फिर वो सिया की है। हाँ, मुंडी भी कट गई आज तो। पहले मुंडी कटी थी, फिर वो वापस जुड़ गई दूसरे इसकी, देवकी की कटी हुई मुंडी थी तो देवकी की हो गई, अब डीके की मुंडी कट गई। सो मुंडी मुंडी खेल चल रहा है। देवकी को तो सिया लेकर आ गई, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मोहिनी आ गई और अपनी सच्चाई छुपाने के चक्कर में बिना हाथ वाले ठाकुर ने यहाँ पर पूरा गब्बर का सीन ही बना दिया। अरे हाँ, तमाचा लगा दे, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख रही ना, उसके सारे उसकी जो जान है, और क्योंकि वो मेरी नज़र पट्टू है, तो मेरा पूरा यूथ, जो मेरी ब्यूटी है, वो सब उसके जान पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लगा दिया एक। मोहिनी, आप यहाँ सिया को थप्पड़ मार रही हैं, ये समझ रही है कि ये आपके पक्ष में है, पर आपको क्या पता, यहाँ पर तो आपके पीछे आपके खिलाफ ही खेल खेला जा रहा है। मोहिनी के साथ गेम खेल रहे हैं, अभी तक मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ ये जो सब कुछ हो रहा है, गेम चल रहा है, और मोहिनी जो है वो अब इनके जाल में फंसती जा रही है, तो देखते हैं अब इस गब्बर का क्या हाल होगा। मोहिनी को अब इन दोनों का सच जब पता चलेगा, तब देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो इस आउटफिट के साथ मोहिनी अपने फोटो शूट में बिजी है। चलिए मोहिनी, कैरी ऑन, हम आपसे विदा लेते हैं। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे और स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।